खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर गाजियाबाद में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। इस दौरान अफवाह फैलाने वालों, सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालने वालों या कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों पर पूरी नजर रहेगी। इस दौरान शांति व्यवस्था बाधित करने वालों से पुलिस कड़ाई से निपटेगी। दिल्ली से सटे इलाकों और संवेदनशील एरिया में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। पहले ही पूरे जिले को 32 भागों में बांटकर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वह शुक्रवार के दिन भी अपने अपने इलाकों में पुलिस के साथ तैनात रहेंगे। तो दिल्ली में हुई हिंसा के चलते सख्त प्रशासन का यह रुख आपको देखने को मिल रहा है। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और जगह जगह पुलिस बल तैनात की गई है। जनपद के डीएम एसएसपी लगातार यहां पर भ्रमणशील हैं। हम लोग भी यहां पर लगातार जो भी पुलिस व्यवस्था है उसकी निगरानी और उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जो कम्युनिटी पुलिसिंग का इश्यूज़ हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन सबको साथ में ले करके उनका पूरा समन्वय करके उनका उत्साहवर्धन करते हुए एक अफवाहों का प्रभावी खंडन करने की जो एक प्रक्रिया है उसको हम लोग देखिए। दिल्ली हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पे है। सभी पूरे उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनको अलर्ट पे रखा है। सभी डीएमएसपी को उसी दिन निर्देश जारी हो गए थे। खास करके दिल्ली से सटे इलाके, चाहे गाजियाबाद हो, बिजनौर हो, गौतम बुद्ध नगर हो या कई ऐसे जिले पश्चिमी के हैं जो असंवेदनशील की श्रेणी में थे। जब पिछले दिनों सीए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो कई जिले चपेट में आए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी आई थी और लखनऊ में भी अभी भी सीए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। चूंकि जुमे की नमाज के बाद 19 दिसंबर को हिंसा भड़की थी, उसको देखते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पे रखा गया है। अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारे अधिकारी मुख्यालय से भेजे जो खासकर इन स्थितियों से परिस्थितियों से निपटने में सक्षम या जिनका अनुभव है उनको लगाया गया है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। खास करके जुमे की नमाज को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता सभी एसपी को निर्देश दिया बरती जाए और उन असंवेदनशील जगहों पे फोर्स भी तैनात की गई। चूंकि अभी उत्तर प्रदेश से ऐसी कोई खबरें दिसंबर के बाद जो हिंसक प्रदर्शन उसके बाद दिल्ली हिंसा के बाद चीजें नहीं सामने आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है और लगातार जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाया है। कई जिलों में अधिकारी भेजे ही गए हैं और खास करके आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि जुमे की नमाज को देखते हुए पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। पुलिस प्रमुखों को, जो जिले के प्रमुख हैं, उनको सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार का भीड़ की जमावड़ा या नारेबाजी न हो, शांति पूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा करके लोगों से गुजारिश की जाए कि वो अपने अपने घर चले जाएँ। जी पंकज, पिछले दिनों हमने देखा था कि कई जगहों पर धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से हम जानते हैं कि शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है, इसको लेकर उन जगहों से धारा 144 हटा दी गई है। ऐसे में व्यवस्था को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि धारा 144 लगने के कारण वहाँ पर एक जगह पर लोग जमा नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब हट गए हैं तो उनके पास इस तरह की कोई भी आपत्ति नहीं जताई जा सकती है प्रशासन की तरफ से कि आप एक जगह पर क्यों गुट बनाकर खड़े हैं या क्यों आप यहां पर कोई सभा कर रहे हैं। देखिए, जुमे की नमाज है, वहाँ गुट बना के खड़े होने का कोई सवाल नहीं, चूंकि जुमे की नमाज शुक्रवार को होती है, वो चाहे धारा 144 लागू हो या कोई भी प्रतिबंध हो, चूंकि धार्मिक जो कार्यक्रम है, जो रेगुलर जो जुमे की नमाज होती है उस पर सरकार ने जब पिछले दिनों हिंसा हुई थी तब भी रोक नहीं लगाई थी। जुमे की नमाज जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उन्होंने अदा की थी और आज फिर से चूंकि शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है तो उससे धारा 144 से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर उस तरीके का जमावड़ा, नारेबाजी या कोई किसी प्रकार का मार्च प्रदर्शन, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध है। फिलहाल जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से करने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में अलर्ट कर रखी है और जुमे की नमाज को देखते हुए चूंकि अतिरिक्त सतर्कता इस नाते बढ़ती जा रही, क्योंकि दिल्ली में हाल ही में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उसको देखते हुए कुछ जिलों में जरूर खबरें आ रही थी, चाहे अलीगढ़ हो जहां पे इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद हैं या और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, तो इस नाते अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जा रही है। फिलहाल आज जुमे की नमाज तक प्रशासन के लिए जरूर चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से शांत और जो जुमे की नमाज है उसको देखते हुए सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन ऐसी कोई ना खबरें आ रही हैं और ना जी बिल्कुल पंकज, शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था को बनाए रखने के लिए